आख साहब, आपका जन्म ग्वाल मंडी लाहौर में हुआ जी, उसके बाद फिर आप मुल्तान चले गए, क्यों लाहौर दही मुक गए? ये तो तुमने पहले कि नहीं दसा भी मुल्तान जी दही ज्यादा होंगी। जैसे वो मेरा जिते तक अंदाजा ना, तुम अज तक मुल्तानों किसी ने अंब भेजे नहीं। आए, नहीं वाकई निकले, हाँ बस मुल लै लै के खा के पागल हो। असल में जैसे कोई बंदे की तबीयत खराब हो जाती या उन्होंने कहते ना लाहौर लै जाओ, ये लाहौर च इन्होंने खाना ही इन्ना खाता, कहते इन मुल्तान लै जाओ। 1992 में जब हर पाकिस्तानी क्रिकेटर बनने का ख्वाब देख रहा था, आप जाके कमेडियन बन गए। तुसी वर्ल्ड कप की बजाय भंडा दी प्रीमियर लीग वेखनी शुरू करती। असल जो गुरबत ही इन्नी सी, बेचारे को बैट लैन दे पैसे नहीं सी। असल में क्रिकेट भी मैंने बहुत खेली है बट साहब, लेकिन उठना बोल चला अपना मरे गुल्लीर का मुंह है। तू क्रिकेट खेली, गुल्ली डंडा कहो जो तू खेलता सी, सोटी ने टायर चलांदा रहा सारी जिंदगी। हेलो, शो च गेस्ट आए हैं ते वो गल सच्ची सी, मैनू खाने दी वजह नाल मुल्तान लग गया सी। असल में अंदर छोटा सा एक भांड था जी, पांड को एवं थोड़ा बन जाता बंदा। बिल्कुल, आपका तखल्लुस अलबेला जो है वो अलबेला साहब की निस्बत से है। मुझे बताया हनी अलबेला आपसे रॉयल्टी तो नहीं मांगता? नहीं, रॉयल्टी तो नहीं मांगता, मेरे को ना कितने कितने कुछ ना कुछ मांगता है। लेकिन अलबेला साहब का नाम साथ लगा, शायद वो ही बरकत है, हम तो इस काबिल नहीं है। वो लेजेंड फनकार थे, तो उनकी लेगेसी लेके हम आगे चले हैं, तो अल्लाह ताला ने बरकत डाल ली, लोग पसंद करना शुरू। और मेरा जो जैनवन नाम है ना, डॉक्यूमेंट्स सारे वो सलीम अलबेला के नाम से हैं। अरे आगा साहब, कौन सा कुंभ का मेला था जहां आप दोनों मिले थे? अलग होते बिछड़ दे हैं बंदे। नहीं नहीं, ये कुंभ का मेला नहीं बट साहब, अल्लाह का कोई खास कर्म था, ये मालिक की अनायत है कि हमारी दोनों की दोस्ती, और दुआ करें कि अल्लाह पाक इसे कायम रखे। तो मुल्तान में हम लोग ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली मैं मुल्तान में था, सलीम अलबेला साहब वहाँ ड्रामा करने आए, तो दोनों की मुलाकात हुई। तो ये तकरीबन इस बात को भी 30 साल हो गए, और 30 साल से अल्लाह के फजल करम से हम दोस्तों की तरह नहीं भाइयों की तरह रहते हैं। क्या बात है।